पास्टर साहब मैं ये पाप नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा हूँ, सर प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शैतान मुझे ऐसा जकड़ा हुआ है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तब भी ऑटोमेटिक मेरे मुंह खुल जाते हैं, मेरे होंठ खुल जाते हैं, मेरे जबान चलने लगते हैं और मैं झूठ बोलने लगता हूँ। ब्रदर मैं क्या करूँ, मैं पोर्नोग्राफी देखना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही मैं कंप्यूटर में बैठता हूँ ऑटोमेटिक मेरी उंगलियाँ जाके टाइप करने लगती हैं। मैं जब रास्ते में चलता हूँ, मैं ऑफकोर्स मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, लेकिन क्या करूँ, जब दूसरे लोग पीते हैं और उसका सुगंध मेरे नाक में जाता है तो शैतान ज़बरदस्ती मेरी उंगलियों को मेरे हाथों को खींच कर ले जाता है और मुझे सिगरेट खरीदने के लिए प्रेरित करता है। शायद आप ऐसे परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई आखिर क्या है? क्या सच में आज आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं और आप जिस परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे परेशानियों का सामना करते हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो ऐसे परेशानियों का सामना करते हैं, जो पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहते हैं लेकिन तब भी देखते हैं, जो शराब नहीं पीना चाहते हैं तब भी पीते हैं, जो सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं तब भी पीते हैं, जो झूठ नहीं बोलना चाहते हैं तब भी झूठ बोलते हैं। आखिर कौन करा रहा है ये सब? और वचन हमें साफ बता दिए कौन करा रहा है। पहले हम देखें क्या सच में ये शैतानी है या कोई और है। हम रोमी के पत्र में जाएंगे, रोमी 6 उसका 6 निकालें। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। रियली हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। तो पौलुस बता रहा था कि हमें पता है, हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस में मरा तो हम भी उसके साथ मर गए। तो पौलुस को पता था, लेकिन आज हमें पता होने की जरूरत है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा तब आप पाप के दासत्व से छूट गए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यदि किसी भी दिन यीशु मसीह कभी मरा होगा तो याद रखें आप उसके साथ मारे गए। ठीक है, आप उसके साथ मारे गए, अब आप पाप के लिए मरे हुए हैं। पाप आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, आप पाप के दासत्व में अब नहीं हैं यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब। ठीक है, यानी तो आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और पाप के दासत्व में हैं, और यानी तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पाप के दासत्व में नहीं हैं। वचन आगे उसके रोमी 6 उसका 7 में कुछ इस प्रकार लिखता है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और ये रियली अगर आप यीशु मसीह के साथ मारे गए हैं तो आप पाप से छूटकर अब धर्मी ठहरे हैं। तो हमारे दिमाग में जो हमारा जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो हम पाप करते हैं वो शैतान हमसे करवाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर कीमत चुकाकर आपको पाप के दासत्व से छुटकारा दिया है। हाँ रियली यही सच्चाई है, पाप अब आपके ऊपर हावी नहीं है। तो हमारा ये कहना कि शैतान मुझसे ऑटोमेटिक पाप करवा रहा है, शैतान मुझसे खुद पे खुद मुझे सिगरेट पिला रहा है, मैं पता नहीं कंप्यूटर में बैठा रहता हूँ, मैं पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहता लेकिन तब भी यहाँ से क्लिक होकर एक ऐड आता है ना, कुछ गंदा ऐड, और मेरा पता नहीं मेरी अभिलाषा जाग उठती है। वेल, आप पाप के दासत्व में नहीं हैं, सच्चाई ये आपको मानना पड़ेगा। तो हमें से कुछ लोग ऐसे भी कह सकते, नहीं पौलुस खुद बोलता है कि मैं जो नहीं करना चाहता वही करता हूं। मैं मान गया आप बाइबल से बता रहे हैं, मैं मान गया पौलुस बोल रहा था कि वो जो कुछ नहीं करना चाहता वही करता है, लेकिन आपने शायद पौलुस के आगे वाले पदों को नहीं पढ़ा है, उसके आगे वाले पदों को। पौलुस अपने बारे में वो नहीं कह रहा था कि मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, वो अपने उसके विषय में खुद नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा होता तो वो सुसमाचार प्रचार करना चाह रहा था परंतु सुसमाचार प्रचार नहीं करता तो आज हम तक सुसमाचार भी नहीं पहुँचता। ठीक है, तो वो एक प्रकार का एक उदाहरण था कि वो जो करना चाहता है, मतलब उदाहरण था मनुष्य जाति के प्रति कि मनुष्य जाति जो कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता है,
परंतु आगे उसने कुछ और भी व्याख्यान दिया। उसने कहा कि अब ऐसा नहीं है, अब यीशु मसीह मुझ में है, अब यीशु मसीह पौलुस में है, अब यीशु मसीह आप में है, और उसके द्वारा अब आप पाप के ऊपर विजयी हैं, पाप का अब आपके ऊपर अधिकार नहीं, पाप अब आपको नचा नहीं सकता। वेल, तो मैं आज बात करना चाहता हूं कि कैसे अब आप इस उस गंदे आदतों को छोड़ सकते, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे झूठ हो, चाहे चोरी हो। पता है, हम में से कई लोग को चोरी करना पसंद है। जब हम मार्केट में जाते हैं और इवन जब दुकानदार हमें कुछ ज़्यादा पैसा दे देता है तो हम बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, दुकानदार ने मुझे कुछ ज़्यादा पैसा दे दिया, परमेश्वर ने जुटा दिया। मेरी नज़र में और परमेश्वर की नज़र में वो चोरी है, परमेश्वर ने जुटाया नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों में से कई लोगों को चोरी, झूठ बोलना, गंदी आदतें, ईर्ष्या रखना, ये सब हम इससे छूट नहीं पाते। और हम कहते हैं कि हम लोग हमेशा शैतान की ओर दिखाकर हम अपने जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, परंतु सच्चाई कुछ और है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इस गंदी आदत से छुटकारा पा सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ आप इसी समय से आप छुटकारा पा लेंगे। और जवाब इतना साधारण है कि अब आपको इवन समझने में कठिनाई होगी। जवाब इतना साधारण है कि अब आप इसको आप ही नहीं, हर एक लोगों को इस जवाब को लेने में कठिनाई होगी, क्योंकि लोग साधारण जवाब को, साधारण समाधान को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। उनको कुछ टिपिकल चाहिए, उनको चाहिए पाप से छुटकारा पाने के लिए 40 दिन का उपवास, 8 घंटे की प्रार्थनाएं। मैं आपको बता रहा हूँ इसका जवाब बहुत साधारण है, और जवाब है ना करें। जी हाँ, ना करें। ठीक है, पाप से छुटकारा पाने का जो पाप, जिन गंदी आदतों से, गंदी आदत जो आपके जीवन में है अभी, उससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा जवाब है ना करें। ठीक है, नहीं ब्रदर मुझे ऑटोमेटिकली है ना पाप दासत्व में ले लेता है। नहीं, वचन ये नहीं कहता, मैं कहीं पे भी नहीं पाता है कि आप वापस वो काम करने लगेंगे। ठीक है, रोमी की पुस्तक 6 उसके रोमी 6 उसका 11 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। रोमी 6 उसका 11, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा समझो, मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ठीक है, तो सबसे पहला कदम आपको ये उठाना है कि अपने आप को पाप के लिए मरा समझना है। आपको पोर्नोग्राफी देखने की लालसा जगती है, आप अपने आप से कहें मैं मरा हुआ हूँ, मेरे शरीर, मेरी आंखें, मैं इस चीज़ के लिए मरा हूँ, मेरा कोई काम नहीं। याद है मुझे एक शायद आपको पुराना गीत याद होगा, कहते हैं ऐसे कहते, जिस गली में तेरा घर न हो साजना, उस गली से हमें गुजरना नहीं। ठीक है, जहाँ पर परमेश्वर का वास नहीं है वहाँ से हमको जाना ही नहीं है। जहां पर पवित्रता नहीं है वहां पर हमको जाना ही नहीं है। ये बहुत साधारण है। आप अपने आप को पाप के लिए मरा समझे, आपके मुंह पे झूठ आने लगते हैं, आप बोले नहीं मैं तेरे लिए मरा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। और मैं बताता हूं आपको, ये इतना साधारण है कि लोग इसको ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, लोग इससे एक्सक्यूज से बचते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मुझे सिगरेट छोड़ने में सालों हो गए, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आप प्रार्थना कीजिए प्लीज ना कि मैं सिगरेट छोड़ सकूँ, और शैतान का दबाव मेरे ऊपर है। वेल, मैं मुझे तो कभी कभी उनके उद्धार पर भी शक होता है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सच में उद्धार पाया और उनकी आदतें ऐसे छूट गए। आपके भी छूट सकती है। आगे वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमी 6 उसका 13 और 14, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो,
पर अपने आप को मरे हुए से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। अंडरलाइन करें, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। अजीब बात है, वचन हमें बताता है कि अपने अंगों को अधर्म के कामों के लिए पाप को न सौंपें। वचन हमें सजेस्ट करता है कि अपने अंगों को अधर्म के कामों के लिए पाप को न सौंपो, परंतु धार्मिकता के लिए परमेश्वर को सौंपें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये हमारा चुनाव है सौंपना या न सौंपना, तो हम पाप के लिए इसको सौंप भी सकते हैं, पोर्नोग्राफी देखने के लिए इसको सौंप भी सकते हैं, और या नहीं तो हम पोर्नोग्राफी नहीं देखने का चुनाव करके वचन पढ़ने का, वचन पे मनन करने का चुनाव भी ले सकते हैं, क्योंकि साफ वचन में साफ लिखा हुआ है रोमी 6:13 में, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आप पाप के लिए मरे हुए हैं, आप के गंदी आदतों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वो है अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित समझें और अधर्म के कामों के लिए मरा। आप पाप के लिए मरे हैं, और तभी 14 में लिखा है, और तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। जब आप साधारण हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं इन चीजों के लिए मरा हुआ हूं, तब पाप का प्रभुता आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता, उसका प्रभुता आपके ऊपर नहीं चलेगा। पहला कारण यह है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए लहू बहाया। ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई नो हाउ यू स्ट्रगल इन दोज सिचुएशंस, बट लेट मी टेल यू, दिस इज सो सिंपल। Just think that you have died for those things. सोचे, जब भी आपके पास झूठ बोलने का समय आता है, जब भी आपके पास पोर्नोग्राफी देखने का समय आता है, जब भी आपके पास शराब दारू पीने का समय आता है, जब भी आपके पास सिगरेट पीने का समय आता है, मतलब अपॉर्चुनिटी आता है, और जब भी आपको पाप करने का मौका मिलता है, तब आप सोचें, मैं तो मरा हुआ, मैं ये कैसे कर सकता, मैं तो धार्मिकता के लिए जीवित हूँ, मैं तो कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, और तब आप अपने आप को उधर से छुटकारा पाते हुए देखेंगे। पाप का आपके ऊपर कोई प्रभुता नहीं। हम में से अधिकतर लोग जो आज पाप में जीवन जी रहे हैं, गंदी आदतों में जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमारा खुद का चुनाव है। शैतान का प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो सकता। आप चुनाव लें और आप आजाद। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम निश्चिंत हैं, हमें पता है कि परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा उधर से निकलने के लिए, और आपको एक मजबूत इच्छा शक्ति देगा वहाँ से निकलने के लिए। यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो प्रार्थना वॉरियर हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप अपने जीवन में इसका प्रभाव जरूर देखेंगे। सभी को जय मसीह की।